माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम लीनियर इनइक्वालिटी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और लीनियर इनइक्वालिटी में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप की इनइक्वालिटी जिसमें मॉड्यूलस का यूज़ होता है उसे समझते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए हम कुछ तीन सवालों के थ्रू इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर वन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखिए, जिसमें लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू टू। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो देखिए कि मॉड किस किस क्वांटिटी में लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि मॉड एक्स पर लगा हुआ है, इसका मतलब मॉड केवल एक ही टाइप में लगा हुआ है और एक्स पर ही लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले केस डिस्कस करेंगे, केस वन। केस वन क्या है? केस वन में हम लेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे केस टू, व्हेन x इज लेस देन जीरो। अगर मॉड दो क्वांटिटीज में होता, फॉर एग्जांपल एक और मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं, अगर आपके पास मॉड इस तरह से होता मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, लेस देन वन। तो आप ये देखिए मॉड दो क्वांटिटीज पे हो गया, एक्स पे भी हो गया, एक्स माइनस टू पे भी हो गया। तो इसको कुछ अलग ढंग से डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा वो कुछ इस तरह से होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स और समथिंग सम अदर नंबर, इस तरह से कुछ। तो हम समझें पहले इस केस को कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर हमने इसमें इक्वल टू जीरो लिया है तो इसमें इक्वल टू जीरो लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप दोनों में भी ले सकते हैं पर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का मतलब है कि आपको रियल लाइन के इस पार्ट में डिस्कस करना है। किस पार्ट में डिस्कस करना है? एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो वाले पार्ट में डिस्कस करना है। जीरो यहाँ है, यहाँ पर होगा प्लस इन्फिनिटी, जैसे कि आपको मालूम है। आपको इस एरिया में स्टडी करना है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो आपको मॉड की डेफिनेशन भी मैं लिख दूँ कि व्हाट इज मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स इज प्लस एक्स, व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है कि मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स। तो आप इसको देखिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स जब है जब एक्स लेस देन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मॉड ऑफ माइनस फाइव, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ माइनस फाइव, मॉड ऑफ माइनस फाइव। मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, समटाइम्स यू से दिस एज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में मॉड ऑफ माइनस फाइव, तो माइनस फाइव इज वॉट, माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, तो उसमें एक माइनस इम्पोज होगा। आप इस केस में देखिए, इस केस में व्हाट इज एक्स, एक्स इज योर माइनस फाइव विच इज स्मॉलर देन जीरो, देयरफॉर मॉड ऑफ माइनस फाइव इज वॉट, माइनस एक्स, एंड बींग माइनस एक्स इट विल बी माइनस माइनस फाइव विच विल बिकम प्लस। तो माइनस एक्स उसी को करेगा जब एक्स जीरो से छोटा होगा, अदरवाइज तो ये एक्स ही रहेगा। कब? जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो आइए केस वन डिस्कस करते कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मॉड एक्स विल एक्वायर वैल्यू एक्स, मॉड एक्स विल बिकम एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू टू। अब जैसा कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुड बी अवॉइडेड, आप इसको इस तरह से लिखें। किस तरह से? देखिए इसको लिखें आप, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस टू लेस और इक्वल टू जीरो। राइट साइड को जीरो बनाने की पहले कोशिश करें विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब एलसीएम x माइनस वन माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस और इक्वल टू जीरो,
और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये जो हमें स्टडी का एरिया दिया हुआ था, कौन सा स्टडी का एरिया दिया हुआ था, जीरो टू इन्फिनिटी, इसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। रिकंस्ट्रक्ट किया कि हमें जीरो से लेके कहाँ तक स्टडी करना है, इन्फिनिटी तक। इसमें एक एरो बना दिया, इस एरिया में हमें जाना है। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करने पे मिलते हैं। तो व्हेन यू विल इक्वेट माइनस एक्स माइनस थ्री विद जीरो, एक्स बिकम्स माइनस थ्री, तो माइनस थ्री यहां मिलेगा आपको लेफ्ट टू जीरो। और इसको जब जीरो से इक्वेट करोगे एक्स प्लस वन को, तो एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन। कभी कभी आप इसको इस एक्सप्रेशन का जीरो भी कहते हैं, जीरो, तो एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन। तो ये वैल्यू मिली माइनस वन। अब माइनस थ्री से छोटी वैल्यू लो, माइनस फोर, माइनस फोर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे तो हम यहाँ कैलकुलेट भी कर लेते, माइनस माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर प्लस वन, माइनस माइनस कैंसिल, फोर माइनस थ्री इज वन, वन अपॉन माइनस थ्री, दिस इज नेगेटिव। मीन्स इससे नीचे की वैल्यूज के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस होगा। अब आप माइनस थ्री और माइनस वन के बीच की वैल्यू ले, माइनस टू यहां पर रख दे, तो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस टू माइनस थ्री अपॉन माइनस टू प्लस वन। क्या होगा इस केस में, देखिए, टू माइनस थ्री इज माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस। नेचुरली अब आप समझ भी गए होंगे कि माइनस वन के आगे क्या होना है, तो माइनस वन के आगे इसकी वैल्यू होगी माइनस, लेकिन फिर भी हम एक वैल्यू रख के देख लेते हैं, माइनस वन से बड़ी वैल्यू, चाहे तो आप जीरो रख लें सबसे आसान, नहीं रखना है तो वन रख लें, नहीं रखना है तो टू रख लें। तो अगर आप जीरो रखते हैं तो जीरो रखते हैं तो एकदम आपको मिल जाएगा जीरो माइनस थ्री जीरो प्लस वन, माइनस अपॉन प्लस माइनस, इस एरिया में माइनस है। अब हमें किस एरिया में स्टडी करना है, इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू जीरो इस तरफ हो रही है और इस तरफ हो रही है। ब्रैकेट कैसे यूज करेंगे अपन, तो अगर यहां पर क्या निशान लगा है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है यहाँ स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो क्लोज ब्रैकेट मस्ट बी यूज, क्लोज ब्रैकेट यूज होगा, तो क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। और इस तरफ स्टडी करना है हमें, यहां होगा माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री तक, और आगे कहाँ हो रहा है नेगेटिव, आगे माइनस वन के बाद हो रहा है। माइनस वन पे कौन सा ब्रैकेट यूज किया जाए, तो बेशक यहां पर लेस देन और इक्वल टू है, बट माइनस वन बीइंग अ जीरो ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस वन जीरो है डिनोमिनेटर का, मतलब माइनस वन रखने से ये जीरो होता है। तो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, जब कोई नंबर ऊपर हो, मान लीजिए कि ऊपर है आपके पास सेवन और नीचे हो रहा हो जीरो, और देखिए कि क्या वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और आप देखेंगे उसमें मोबाइल में भी आपकी ये एरर बताता है, कैलकुलेटर में एरर बताता है, तो इसको अवॉइड करेंगे, माइनस वन नहीं लेंगे, लेकिन माइनस वन से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे। तो इस केस में यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा और हमें जहाँ स्टडी करना है वहाँ एरो जरूर बनाएंगे, तो यहाँ भी हमें एरो बनाते हैं। तो आप देखिए कि कॉमन एरोज कहाँ हैं, तो यू विल फाइंड दैट कॉमन एरो कहाँ पर है। तो आप कॉमन एरो देखिए, यहाँ पर सिंगल एरो है, यहाँ पर डबल एरो, और डबल एरो चालू होता है जीरो से लेके। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज जीरो टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल यूज करेंगे। अब आइए केस टू डिस्कस करते हैं, केस टू डिस्कस करेंगे। तो केस टू में हमने क्या लिया है, आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए,
हमने लिया है x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो लिया है, और अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड x का वैल्यू माइनस x है, तो इसमें देखिए मॉड x का वैल्यू होगा, मॉड x का वैल्यू होगा माइनस x माइनस वन माइनस x प्लस वन लेस देन और इक्वल टू टू, और इस बेसिस पे आप चाहें तो माइनस कॉमन ले ले, x प्लस वन माइनस नीचे भी कॉमन ले ले, x माइनस वन माइनस टू लेस और इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस कैंसिल, x प्लस वन माइनस एलसीएम ले लिया, x माइनस टू एक्स होगा माइनस एक्स, वन प्लस टू थ्री अपॉन x माइनस वन लेस और इक्वल टू जीरो। आइए केस समझते हैं, केस समझते हैं, हमें दिया है x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो यानी इस साइड में होगा, हमने जो केस अपने से डिसाइड किया है उसमें हमें डिस्कस करना है x लेस देन जीरो, जीरो से लेफ्ट साइड में सारा कुछ। अब हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसको जीरो रखने से आएंगे थ्री और वन, वन और थ्री आप समझ सकते हैं किस तरफ होंगे, वन होगा राइट साइड में, थ्री होगा राइट साइड में, वन से कोई छोटी वैल्यू लीजिए, वन से छोटी वैल्यू है जीरो, और जीरो यहाँ रख के देखिए तो जीरो जब आप यहाँ रख के देखेंगे तो जीरो प्लस थ्री अपॉन जीरो माइनस वन, थ्री अपॉन माइनस वन इज नेगेटिव, इस एरिया में नेगेटिव होगा। वन और टू के बीच, थ्री के बीच की वैल्यू लेंगे टू, टू रख के देखिए आप तो थ्री माइनस टू और टू माइनस वन ये आएगा प्लस, और थ्री से बड़ी वैल्यू लेंगे फिर आएगा आपके पास माइनस। हमें किस एरिया में स्टडी करना है तो इसमें लिखा हुआ है कि उस एरिया में स्टडी करें जहां लेस देन और इक्वल टू जीरो हो, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो इस तरफ है और इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। तो अब देखें इसमें ब्रैक, इसमें देखिए इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू है तो इंटरवल क्लोज आएंगे, तो थ्री पे क्लोज आएगा, थ्री के आगे सारा कुछ स्टडी करना है और वन के पीछे सारा कुछ करना है, पर वन पर इंटरवल कैसा आएगा, ओपन आएगा, बिकॉज वन कैसा पॉइंट है, वन इज अ जीरो ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का जीरो है इसलिए इस तरह से ओपन आएगा। तो आप देखिए कि कॉमन लाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो कॉमन लाइन है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, द सोल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो हैंस ऑन कंबाइनिंग दीज टू, तो इसको और इसको जब हम कंबाइन करेंगे तब हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑन कंबाइनिंग बोथ बोथ द सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस वी फाइंड माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, या फिर आप इसे क्लब करके एक बना दें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जीरो यहाँ हो नहीं सकता, जहाँ इसने जीरो को छोड़ा है वहीं से नेक्स्ट इंटरवल ने जीरो को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब है कि दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल वैल्यू आप रखेंगे ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। आइए अब कुछ अगले केस देखते हैं, इसी तरह से एक प्रॉब्लम आप खुद बना के सॉल्व कर सकते हैं या आप बुक भी रेफर कर सकते हैं।
जिसमें आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिले और आप सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर टू, जिसमें मॉड दो क्वांटिटीज पे लगा हुआ है। बहुत बेहतरीन टेक्निक है ये, जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। मॉड लगा हुआ है एक्स पर, मॉड लगा हुआ है एक्स माइनस टू पर, ग्रेटर देन वन, इसमें इस बार इक्वल टू नहीं लिया है। तो मॉड अगर दो क्वांटिटीज पे लगा है तो आप ऐसा समझे कि ये आपकी रियल लाइन है। रियल लाइन कैसी है, कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। रियल लाइन में इनके जो पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब है कि अगर मॉड को अलग अलग करेंगे, सपोज इसमें मॉड एक्स कर देंगे, इसमें मॉड एक्स माइनस टू कर देंगे, तो मॉड के अंदर की जो वैल्यू होगी, मॉड के अंदर की जो वैल्यू होगी, जैसे इसमें देखिए, इसको हमने लिखा मॉड एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन। तो मॉड के अंदर एक्स है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, इसको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी टू। मतलब हमें रियल लाइन को तीन भागों में तोड़ना है, भाग एक फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इस तरीके से हम रियल लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो हम पहले रियल लाइन को ब्रेक करते हैं यहां से लेके यहां तक, तो इसे बोलेंगे हम केस वन। केस वन, केस वन में कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी, लेस देन एक्स, लेस देन जीरो या लेस देन और इक्वल टू जीरो। अगर आपने इसमें इक्वल टू लगाया तो आगे में मत लगाइए, और अगर इसमें नहीं लगाया तो आगे में लगा दीजिए। अगर दोनों में भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी, लेस देन एक्स, लेस देन और इक्वल टू जीरो, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। माइनस इन्फिनिटी, लेस देन एक्स, लेस देन जीरो, तो हमारे इस मॉड का वैल्यू क्या होगा? तो आप एक्स का कोई मन से वैल्यू ले लें, एक्स का वैल्यू मन से मान लीजिए, आपने इस इंटरवल में एक वैल्यू है माइनस वन, सॉरी एक्स का वैल्यू है माइनस वन। अब ये माइनस वन वैल्यू लिया आपने, तो माइनस वन को आप यहाँ रखें। देखिए मैं रखते दिखाता हूँ आपको, मॉड ऑफ माइनस वन, मॉड ऑफ माइनस वन माइनस टू। तो ये माइनस वन कब प्लस होगा? जब मैं इस पर क्या लगा दूंगा? माइनस। किस पर? इस पर। जब मैं इस पर माइनस लगा दूंगा, मतलब मैं इस एक्स पर माइनस लगा दूंगा, क्योंकि एक्स ही तो मेरा ये है। ये जब मैं माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस होगा, और ये भी माइनस थ्री है, इसको भी प्लस बनाना है, तो एक माइनस इस पर और लगेगा। तो किस पे माइनस लगेगा? ये माइनस थ्री क्या चीज है? ये माइनस थ्री है एक्स माइनस टू। तो सबसे आसान तरीका है, आप माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच की कोई वैल्यू ले, मान लीजिए आपने एक्स की वैल्यू माइनस वन ली, माइनस टू ली, यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये मॉड ऑफ माइनस वन है। तो मॉड के अंदर उसका कैसा रिएक्शन है? मॉड के अंदर अगर वो माइनस है तो आप इसकी वैल्यू ऐसे खोलें, कैसे खोलेंगे? माइनस एक्स। इस पर भी आप क्या लगा दें? माइनस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू रखने पे ये दोनों माइनस हो रहे थे, तो माइनस और लगाने से वो प्लस हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है? दिस इम्प्लाइज एक्स एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, राइट साइड मस्ट बी जीरो। राइट साइड अगर जीरो होगी तो आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब आपके ये केस है, आपको इससे बाहर नहीं जाना है, आपको इसी में रहना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को जीरो रखना, टू कैनॉट बी जीरो, तो डिनोमिनेटर को जीरो रखिए, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू टू आएगा। अब एक्स इज इक्वल टू टू आएगा, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक स्टडी करना है? इसमें लिखा हुआ है बच्चों, आपको स्टडी करना है माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक। आपको स्टडी करना है कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक। इसके बाहर नहीं जाना है।
यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी करना है आपको। अब हमने x की वैल्यू ली 2, हमें 2 मिली, सॉरी वैल्यू मिली हमने ली नहीं, हमें मिली 2। 2 से छोटा वैल्यू लो आप, 2 से छोटा वैल्यू होता है 0, 0 आप यहाँ रख के देखें तो 2/0 - 2 इज नेगेटिव, दिस साइड इज नेगेटिव। 2 से बड़ी वैल्यू लें 3 लेंगे तो आप आएगा 2/3 - 2 पॉजिटिव। तो हमें बोल रहा है कि किस साइड में स्टडी करना है, इस साइड में। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लिखा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मिलेगा हमें इस साइड में। अब आप देखिए यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, कॉमन डबल लाइन नहीं है, ये तो रेफरेंस है, दिस शुड नॉट बी काउंटेड, इसको मत गिनिए आप, ये तो रेफरेंस लाइन है, चाहे तो आप इसको डॉट बना दें, लेकिन मेन लाइन जो है आपकी ये वाली एरो वाली लाइन है, ये ओवरलैप नहीं कर रही है, तो इस केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो नो सोल्यूशन, यू कैन राइट नो सोल्यूशन इन दिस सिचुएशन। जब माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का कोई भी एक्स लेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहे तो आप कोई वैल्यू ऐसी ले करके भी देख सकते हैं कि इसमें ट्रू होता है क्या, तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ नॉट ट्रू, ये पता लगेगा आपको कि ये सत्य नहीं है। अब हमारा केस 2, ये केस 1 इज ओवर, अब हमारा अगला केस है केस 2। केस टू देखिए, केस 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 0 हमने इसके अंदर ले लिया इक्वल टू 0, तो आप 0 से ऊपर जाइए, तो केस 2 में ले 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। अब 0 से 2 के बीच की कोई वैल्यू लीजिए, 1 लीजिए, मान लीजिए 1 इसमें रखिए, तो आपका 1 रखने से ये क्या बनेगा, मॉड्यूलस मॉड ऑफ एक्स, मॉड 1 रखने से बना मॉड ऑफ 1, अंदर प्लस है तो इसमें कोई चेंज मत करिए। इसमें देखिए 1 - 2 - 1, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये जाएगा -x - 2, ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 1, x/-x+2 - 1 > 0, एक्स माइनस एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 2x - 2/-x+2 > 0। अब आप इसकी क्रिटिकल वैल्यूज देखिए, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू आपको मिलेगी जब इसको आप न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करेंगे 1, और जब इसको करेंगे तो 2। लेकिन हमें जो स्टडी करना है उसको भी ध्यान रखें, हमें 0 और 2 के बीच में ही करना है, जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पर ही आएगा 0 से लेके 2 तक। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2, तो ये 1 हो गया और ये दूसरा 2 हो गया। 2 एक बार और लिख दे, 1 से छोटी वैल्यू लें 0। अब 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 0 - 2 - 0 + 2 नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड -±। लेकिन अभी हमें कौन से एरिया में डिस्कस करना है वो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 0 पे डिस्कस करिए। ग्रेटर देन 0 कहाँ है, इस पर्टिकुलर एरिया में ग्रेटर देन 0 है, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो हमारा कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ, जहाँ डबल लाइन है, एक तो ये थी ऑलरेडी पहले से लाइन, और ये लाइन हमारी दूसरी आ गई, कहाँ से कहाँ तक डबल हो रही है, 1 से लेके 2 तक। तो सोल्यूशन होगा, देयरफॉर सोल्यूशन इज 1, 2 ओपन इंटरवल। क्यों, पहले 2 पे क्लोज्ड था पर अब बाद में क्या आ गया, ओपन आ गया। क्यों ओपन है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो हमें ओपन और क्लोज्ड में क्या कॉमन होता है, ओपन वाला एरिया कॉमन होता है 1, 2। इस केस में नो सोल्यूशन, उस केस में 1, 2। और केस नंबर 3, अब हमें 2 के ऊपर जाना है और इनफाइनाइट से नीचे रहना है, तो इसके लिए भी केस लिख देते हैं। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है, आप आनंद लीजिए। तो आखिरी केस है, इसे भी मैं रब कर देता हूं, केस थ्री व्हेन 2 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी के बीच का वैल्यू ले,
3 यहाँ रखें, मॉड ऑफ 3, ये 3 प्लस है तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए 3 माइनस 2 1, इसमें भी कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अब आप एलसीएम ले लें, एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये इससे कैंसिल। अब आगे आपके पास 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल आपको कहाँ से कहाँ तक स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है 2 से लेके इन्फिनिटी तक। आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन है इसमें देखिए आप, इसको तो 0 से इक्वेट करने का कोई मतलब नहीं, इसको करने का है x का वैल्यू 2 आया, ये 2 फिर से मैंने नीचे एक बार और लिखा, 2 से छोटी वैल्यू लीजिए 0, यहाँ रखिए 2 अपॉन 0 माइनस 2 नेगेटिव, और 2 से बड़ी लीजिए 3, 2 अपॉन 3 माइनस 2, 2 अपॉन 1 विच इज़ पॉजिटिव। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है पॉजिटिव साइड में रहने का, हमारा इंटरेस्ट है इस साइड में रहने का, इस साइड में। और हमें जो पहला एरिया दिया था वो भी यही था, कहाँ से कहाँ तक 2 टू इन्फिनिटी, नया भी यही आया, तो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सोल्यूशन इज टू टू इन्फिनिटी। लेकिन अब हमें जब कंबाइंड सोल्यूशन निकालना होगा तो तीनों केसेस मिक्स करने पड़ेंगे, हैंस द कॉमन सोल्यूशन इज, तो मैं आग यहां लिखता हूं, हैंस द कॉमन सोल्यूशन इज, हैंस द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी inequality is 1, 2, पहले आएगा union 2 to infinity, direct 1 to infinity नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 इसमें excluded है और 2 इसमें भी excluded है, और पहला वाला केस तो phi है, phi null set no solution, तो अगर वो इसको mix करेंगे तो भी कोई बात नहीं, यही आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये जो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है ये आप डोमेन रेंज में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए केस नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड्यूलस 3 3-